इस तरफ रायगढ़ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए अवार्ड पर अवार्ड मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह मामला तीन बेटियों के भविष्य का जुड़ा हुआ है। एक परिवार की तीन बेटियां जो अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना देख रही हैं, लेकिन उनके इस सपने में बाधा बन गया है निजी स्कूल। हालात यह हो गई है कि परिवार को टीसी के लिए अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर के पास जाना पड़ा। ये खबर एक स्कूल या परिवार से जुड़ी भले ही हो, लेकिन इससे आसानी से समझा जा सकता है कि जिले में जो निजी स्कूलों की मनमानी है वो किस कदर हावी है। क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कानों तक निजी स्कूलों की दादागिरी की किस्से नहीं पहुंचते हैं, या फिर इन पर कार्रवाई करने में उनके हित आड़े आ जाते हैं। कभी मनचाही दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाकर, तो कभी मनमाने कोर्स की किताबें लेने के बहाने निजी स्कूल परिजनों से पैसे ऐंठने के बहाने ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। अब टीसी के नाम पर दादागिरी भी सामने आ रही है। चाहते हैं टीसी के लिए दो साल से भारतीय स्कूल होने को दोहरा रहा है। डीओ ऑफिस में दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए हैं। डीओ साहब का आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। डीओ साहब का आदेश देने के बाद भी टीसी नहीं मिल रहा। बच्चों को लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है। आज कलेक्टर में आई थी, कलेक्टर साहब से मिल के मैं बच्चों को लाइफ के साथ खेला जा रहा है। बता सको और बताई तो सर फोन किए हैं, तुरंत मैं टीसी मंगवाता हूँ। और अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, यहाँ पर इस स्कूल को ऐसा क्या हो रखा है इन बच्चों से लगाव कि इनकी टीसी काटने को तैयार नहीं है, या ये उन्हें डर है कि उनका बिजनेस कम हो जाएगा, क्योंकि आजकल पढ़ाई और शिक्षा को एक बिजनेस का रूप दे दिया गया है। भूपेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? भूपेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही जी। ऐसा क्या इन बच्चों से लगाव था, स्कूल प्रबंधन को इनका टीसी देने से वो मना कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कहने के बावजूद भी, और या जो स्कूल प्रबंधन है उसे डर है कि लगातार जो टीसी अगर दी तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा? जी, भारतीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रबंधक है, लेडी है, उनका आगे कई बार ऐसा मामला सामने आया है कि वो अपनी मनमानी करती आई है। जनरली इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने कुछ पैसे बचे हुए बच्चों को देने के, इस नाम से वो टीसी नहीं दे रही थी। इस पर आज हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे इसका बारे में जानकारी लेने, तो उन्होंने कहा आप लोग जबरदस्ती इसको मीडिया में उछाल रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, उन्होंने आवेदन नहीं दिया है, ऐसी मतलब दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि इसमें स्कूल प्रबंधन की पूरी गलती। भूपेंद्र, इसके बाद क्या इस बच्ची की टीसी के लिए अब जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है तो क्या अब तक मिली है टीसी, या फिर अभी भी वही मनमानी चल रही है? जी, कल के डेट में उनसे आवेदन लिया गया है उनके पेरेंट्स से बच्चों के, और आज टीसी शिक्षा अधिकारी ने खुद साइन करके स्कूल से मंगवाया है, अपने टेबल में रखा हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया भूपेंद्र आपका। हमारी एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।